नमस्कार दोस्तों, ओडिशा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में जाते जाते भारतीय टीम की एक और धमाकेदार जीत। जापान की तरह साउथ अफ्रीका की टीम को भी भारतीय टीम ने बुरी तरह से हराया और अब जीत के बाद भारतीय टीम हॉकी वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल में काफी ऊपर आ चुकी है। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले, अगर आप भी भारतीय हॉकी टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ओडिशा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 लगभग अपने अंतिम चरण पर आ पहुंचा है। हालांकि भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रॉसओवर मुकाबले में हार गई थी, जिस वजह से भारतीय टीम इस हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। लेकिन क्रॉसओवर मुकाबले में हारने के बाद भारतीय टीम को अभी भी दो मुकाबले खेलने थे, जिसमें भारत ने दोनों ही मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया। पहले तो जापान की टीम को भारत ने 8-0 के स्कोर से हराया और फिर उसके बाद भारत ने आज साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ 9-12 की पोजीशन के लिए मुकाबला खेला, जहां भारत ने पहले क्वार्टर में शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ 2 गोल दाग दिए और फिर उसके बाद दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमें किसी का भी गोल नहीं कर पाई और फिर उसके बाद तीसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ 1 और गोल कर दिया और भारतीय टीम 3-0 के स्कोर से आगे थी। लेकिन आखिरी क्वार्टर में काफी रोमांच देखने को मिला, क्योंकि आखिरी क्वार्टर में दोनों ही टीमों ने 2-2 गोल किए। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम शुरुआती 3 क्वार्टर में पिछड़ चुकी थी, जिस वजह से भारत ने 5-2 के बड़े अंतर से इस मुकाबले को जीत लिया है। और दोस्तों इसी जीत के साथ भारतीय टीम ओडिशा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर रही है। तो दोस्तों ऐसी ही हॉकी और क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।